हेलो स्टूडेंट, तो यूनिट चल रही थी हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकंड, जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकांड्रिया एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होगी। पहले पार्ट में हम स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकांड्रिया डिस्कस करेंगे और सेकेंड में हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करेंगे। तो अब हम हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकांड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, माइटोस और कॉन्ड्रियोन। तो माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है ग्रैन्यूल लाइक। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब ये हो गया कि ये जो होता है थ्रेड और ग्रैन्यूल लाइक होता है। अब इसकी डेफिनेशन दे देंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल ग्रैनुलर और फिलामेंटस बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या, स्मॉल ग्रैनुलर, इस नेम से ही हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, स्मॉल ग्रैनुलर और फिलामेंटस बॉडी होती है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाया जाता है। और अभी ये देखते हैं इसको क्या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। अब वो तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम इसके कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि इसे किसने कॉइंड किया। तो फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कॉलिकर एज ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स इन द स्ट्रेन्ड मसल्स। इसे फर्स्ट ऑब्जर्व किया था कॉलिकर ने। फ्लेमिंग ने इसे नाम दिया फिलर, रिचर्ड ऑल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया और कर्ल बेंडर ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और मिकेलिस ने इसको यूज किया एज अ सुप्रावाइटल स्टेन की तरह, जीनस ग्रेन एज अ वाइटल डाई में। और फिर यह है माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस ग्रैन ऑर्गेनेल होती है क्योंकि दे आर देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम इसका साइज लिखेंगे जो होता है 0.05 से 1.0 म्यू एम इन डायमीटर। डायमीटर में होता है लेंथ होती है 1 to 10 म्यू एम, लॉन्ग शेप होता है बीन शेप, लेकिन बायोफिब्रोब्लास्ट में ये इलोंगेटेड एंड थ्रेड लाइक होता है। नंबर जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर, वो सेल टू सेल वेरी करते हैं। और एग्जाम्पल दिया हुआ है रेड लीवर में जो इसकी नंबर होती है वो 0 से 500 होती है। लोकेशन इसकी कहाँ होती है, सेल विद हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, जहाँ हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ इसकी लोकेशन होती है। एग्जांपल दिया हुआ है मसल। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टी और मैट्रिक्स। इसका जो स्ट्रक्चर है आप अच्छे से देख लें, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के थ्रू हम आगे जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया एक बीन की तरह होती है, बीन शेप्ड बना दिया। और ये जो दिख रहा है ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें क्रिस्टी बोलते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो स्पेस दिया हुआ है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। यहाँ राइबोसोम से होता है डीएनए और मैट्रिक्स होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, आप अच्छे से ड्रॉ कर लें। अब है आउटर मेम्ब्रेन। जितनी हमने हेडिंग लिखी थी उनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो आउटर मेम्ब्रेन सिंपल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, स्मूथ होती है, और माइटोकॉन्ड्रियन में इनक्लोजिस होती हैं। ये क्या प्रोटीन स्ट्रक्चर कंटेन करती है जिसको पोरिंस बोलते हैं। पोरिंस फ्री पैसेज की तरह एक्ट करता है जो अलो करता है वेरियस मॉलिक्यूल को इन टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। अब है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूट फॉर्मिंग फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी फॉर्म करती है, और जो क्रिस्टी होते हैं जनरली इंक्रीज करती है इनर मेम्ब्रेन के स्पेस एरिया को। और फिर है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन का स्पेस होता है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, और इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है, हाई प्रोटोन कंसंट्रेशन होती है और इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं एटीपी सिंथेसिस में। एटीपी सिंथेसिस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ही बोलते हैं, जो टू टाइप से होता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन चेन के थ्रू और एक होता है कीमो ऑस्मोसिस के थ्रू। अब है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है, मैट्रिक्स की डेंस होता है, होमोजीनस होता है और जो मैट्रिक्स का टू थर्ड पार्ट होता है वो प्रोटीन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंजाइम, राइबोसोम्स, डीएनए, एमआरए, ग्रेन्यूल्स, ईटीसी पाए जाते हैं। लास्ट हेडिंग है हमारी क्रिस्टी, क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन इज थ्रो अप इनटू अ सीरीज ऑफ अ फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी, यानी जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से फोल्ड हो जाती है फिंगर लाइक, उसको क्रिस्टी बोलते हैं या ट्यूबुली या माइक्रोविलाय बोलते हैं। क्रिस्टी जो बोलते हैं वो एनिमल सेल में कहेंगे और प्लांट सेल में माइक्रोविली बोलते हैं। विच एक्सपेंड इट्स सरफेस एरिया, मतलब जो इनर मेम्ब्रेन है उसके सरफेस एरिया को एक्सटेंड करती है, इन्हेंस करती है इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी, उसकी एबिलिटी को इन्हेंस करती है वो क्या करने के लिए, एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। क्रिस्टी इज कवर्ड विद दिस इनर मेम्ब्रेन स्पेयर्स कॉल्ड स्टॉक पार्टिकल्स और नोब्स और हेड। ये इसके कुछ पॉइंट्स थे और ये इसका स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।